चैप्टर टू डिस्कस करते हैं। चैप्टर टू है हमारा फंडामेंटल्स ऑफ एसी मशीन वाइंडिंग। इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे कि जो एसी मशीन का वाइंडिंग किया जाता है, जैसे जब डीसी मशीन हम लोग डिस्कस कर रहे थे तो उसमें डीसी मशीन का वाइंडिंग देखे थे। हर एक मशीन में क्या होता है, जिनको मशीन बोला जाता है उनमें मूविंग पार्ट होता है, जैसे रोटर होगा और एक स्टैटिक पार्ट होगा, स्टेटर होगा ना, तो ये मशीन्स में होता है। अब डीसी मशीन में क्या था, डीसी मशीन में हमारा जो आर्मेचर वाइंडिंग था वो रोटर पे था और जो हमारा फील्ड वाइंडिंग था वो स्टेटर पे था, ठीक है। तो जो वाइंडिंग यहाँ पे डिस्कस हम करने वाले हैं वो जनरली आर्मेचर वाइंडिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। हाँ, इसमें साथ साथ देखते ये भी चलेंगे कि हमारा जो फील्ड वाइंडिंग होगा वो किस तरीके से बनाया जाएगा और वो क्या होगा, ठीक है। जैसे डीसी मशीन में हम लोग डिस्कस करने से पहले जस्ट देखे थे कि हमारा एसी मशीन किस टाइप का होता है, उसमें स्टेटर या रोटर पे क्या होता है, आर्मेचर होता है या फील्ड होता है। वैसे ही डीसी में और एसी में क्या क्या डिफरेंसेस आएंगे, जैसे चलो सबसे पहले यही डिस्कस करते हैं। जैसे हमारा जो डीसी मशीन था उसमें क्या था, उसमें कुछ इस तरीके से था। मान लेते हैं ये स्टेटर है तो ये हमारा क्या होगा, रोटर होगा। अब अगर ये कोई एक मशीन है, मशीन का कैटेगराइज क्या किए हो तुम इसको बोले हो कि ये डीसी मशीन है। अब अगर ये डीसी मशीन है तो डीसी मशीन में क्या होता था, डीसी मशीन में हमारा जो कंडक्टर्स होता था वो कहाँ पे रहता था, वो हमेशा रोटर पे रहता था। जैसे ये रोटेटिंग पार्ट है, ये रोटर है, ठीक है, तो हमारा जो कंडक्टर्स होगा वो कहाँ होगा, रोटर पे होगा। अब अगर कंडक्टर्स रोटर पे है तो इसको क्या बोलेंगे हम इसको बोलेंगे आर्मेचर वाइंडिंग रोटर पे है। और साथ साथ हमारा क्या होता था, फील्ड वाइंडिंग जो होता था वो कहाँ पे होता था, फील्ड वाइंडिंग हमारा स्टेटर पे होता था। तो यहाँ पे जो फील्ड वाइंडिंग होगा वो स्टेटर पे होगा और वो क्या बनाएगा, नॉर्थ साउथ पोल, मतलब पोल्स बनाएगा, जिससे क्या क्रिएट होगा, जिससे मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा। और ये मैग्नेटिक फील्ड फिर क्या करेगा, ये मैग्नेटिक फील्ड इस कंडक्टर को कट करेगा जिससे इस पर इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होगा। अगर कट नहीं करेगा तो इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट नहीं होगा, मतलब मशीन वाले प्रिंसिपल्स फॉलो नहीं होंगे। तो बात ये थी। अब ये तो डीसी मशीन के बारे में हो गया। ऐसे ही एसी मशीन में हम क्या देखे थे, वहाँ पे देखे थे कि जो एसी मशीन होगा उसमें क्या होगा, उसमें थोड़ा चेंजेस लाया जाएगा। जैसे कुल मिला के क्या कर दो कि कंडक्टर्स को स्टेटर पे रख दो और उसके साथ क्या कर दो, उसके साथ फील्ड को हम रोटर पे रख देते हैं। कंडक्टर को स्टेटर पे, इसका मतलब होगा कि ये स्टेटर पे कंडक्टर हमारा अब हो गया और जो रोटर है उस पर क्या हो जाएगा, रोटर पे फील्ड हो जाएगा। तो चलो रोटर पे फील्ड रख देते हैं, मतलब यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे मान लेते हैं नॉर्थ पोल और यहाँ पे क्या हो गया, साउथ पोल। अब ये फील्ड उल्ड जो बनाते हैं कैसे बनाते हैं, इसके बारे में हम लोग डिस्कस किए थे जब बेसिक पढ़े थे मशीन का, डीसी मशीन जस्ट पढ़ने से पहले बेसिक पढ़े थे, उसी का तो ये पार्ट है। तो उसमें फील्ड वाइंडिंग कैसे बनाते थे, क्या करते थे, इनके बारे में हम डिस्कस किए थे कि नॉर्थ पोल कैसे बनेगा, साउथ पोल कैसे बनेगा, वाइंडिंग का ओरिएंटेशन किस तरह के तरीके से रखोगे, बात समझ में आया। तो ये सब चीज़ें डिस्कस हो चुकी हैं। तो ये किसके लिए था, ये हमारा था एसी मशीन। मतलब एसी मशीन और डीसी मशीन में बेसिक डिफरेंस ये है कि डीसी मशीन में रोटर पे आर्मेचर कंडक्टर होता है और एसी मशीन में स्टेटर पे आर्मेचर कंडक्टर होता है। ऐसा क्यों किया जाता है, क्योंकि दोनों मशीनें सेम हैं, बस इसमें क्या किया जाता है, इसमें आउटपुट एज ए डीसी लिया जाता है, इसमें आउटपुट एज ए एसी लिया जाता है। लेकिन स्टेटर पे रखने का फ़ायदा आर्मेचर वाइंडिंग का ये है कि जिसके बारे में हम जब सिंक्रोनस मशीन पढ़ेंगे तब डिस्कस करेंगे या फिर इंडक्शन मशीन पढ़ेंगे तब डिस्कस करेंगे, तो उसके बारे में आगे चल के हमें डिस्कस ही करना है, इसलिए इसके बारे में बात करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे ये पता चल गया हमारा कि जो आर्मेचर वाइंडिंग होगा वो कहाँ पे होगा, एसी मशीन का आर्मेचर वाइंडिंग एसी मशीन का हमेशा और हमेशा किस पे होगा, स्टेटर पे होगा। तो ये स्टेटर है, ठीक है, ये हमारा बेस है और ये क्या है, रोटर है। तो फील्ड वाइंडिंग किस पे, फील्ड वाइंडिंग रोटर पे और स्टेटर पे क्या होगा, आर्मेचर वाइंडिंग। इस पॉइंट को लिखो, तो इसमें पहला पॉइंट हम लोग लिखेंगे, इन एसी मशीन्स आर्मेचर वाइंडिंग इज प्लेस्ड ऑन स्टेटर एंड फील्ड वाइंडिंग इज प्लेस्ड ऑन रोटर। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, इसके बाद
वाइंडिंग के बारे में कि ये जो वाइंडिंग किया जा रहा है इसका फ़ायदा क्या है। तो ये जो वाइंडिंग किया जाएगा जिसको हम आर्मेचर वाइंडिंग बोलेंगे, ये दो तरीके का किया जाएगा। जैसे जनरली अगर हम एक फ्लो चार्ट बनाएं तो इसमें क्या बोलेंगे, इसमें हम बोलेंगे कि जो हम वाइंडिंग करते हैं वो जनरली दो चीज़ों के लिए करते हैं। क्या क्या करते हैं, हम करते हैं एक फील्ड वाइंडिंग के लिए, फील्ड वाइंडिंग के लिए, और एक क्या करते हैं आर्मेचर वाइंडिंग के लिए। फील्ड वाइंडिंग में जनरली हम क्या यूज करते हैं, फील्ड वाइंडिंग क्रिएट, फील्ड क्रिएट करने के लिए, फील्ड वाइंडिंग बनाने के लिए जनरली हम कंसंट्रेटेड टाइप का वाइंडिंग यूज करते हैं, कंसंट्रेटेड वाइंडिंग यूज करते हैं। और आर्मेचर वाइंडिंग क्रिएट करने के लिए हम दोनों टाइप का यूज करते हैं। क्या क्या, हम कंसंट्रेटेड भी यूज करते हैं, कंसंट्रेटेड भी यूज करते हैं, और साथ साथ क्या यूज करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग भी यूज करते हैं। अब ये जो कंसंट्रेटेड और डिस्ट्रीब्यूटेड में फर्क है इसके बारे में आगे चल के हम लोग देखेंगे कि कंसंट्रेटेड क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड क्या है। जैसे यहाँ पे थोड़ा सा समझ लेते हैं, इसके बारे में पहले भी देख चुके हैं कि जो डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग था उसके पांच एडवांटेज थे। पांच एडवांटेज क्या थे, कि ये वोल्टेज के वेवफॉर्म का शेप अच्छा रखता है ना, साथ साथ जितने भी ड्रॉप्स होते हैं उनको क्या कर देता है, कम कर देता है। बात समझ में आया। तो डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग के बारे में जो भी एडवांटेजेस हैं उनके बारे में हम कहाँ डिस्कस किए हुए हैं, उनके बारे में हम डिस्कस किए हुए जब डीसी मशीन का में आर्मेचर वाइंडिंग पढ़ रहे थे तब, क्योंकि ये मैकेनिकल बैलेंस मतलब डायनेमिक बैलेंस बनाए रखता है, कूलिंग ईजी कर देता है ना, तो सब कुछ ईजी करता है, इसलिए डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग जनरली हम प्रेफर करते हैं। मतलब कंसंट्रेटेड वाइंडिंग किसके लिए जनरली प्रेफर करेंगे, कंसंट्रेटेड वाइंडिंग जनरली हम फील्ड वाइंडिंग के लिए प्रेफर करेंगे, लेकिन डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग जनरली हम किसके लिए प्रेफर करेंगे, आर्मेचर वाइंडिंग के लिए प्रेफर करेंगे। अब ये जो डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग होता था, ये डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग हमारा दो तरीके का होता था, कौन कौन सा होता था, एक ग्राम रिंग टाइप का होता था और एक ड्रम टाइप का होता था। ग्राम रिंग हम यूज़ नहीं करते थे क्योंकि उसमें हमें कॉपर का रिक्वायरमेंट जो होता था वो ज़्यादा होता था, मतलब आधा कॉपर हमारा वेस्ट हो जाता था आउटर पार्ट वाला, केवल इनर पार्ट वाला कॉपर क्या करता था, वो इंड्यूस्ड डीएमएफ कराने के काम आता था, तो इसलिए ग्राम रिंग भी नहीं यूज करते थे। उसमें क्या यूज करते थे हम उसमें केवल और केवल ड्रम टाइप यूज करते थे। मतलब ये दो तरीके का होगा, एक ग्राम रिंग और एक क्या होगा, ड्रम टाइप होगा। तो इसमें कौन सा नहीं प्रेफर करेंगे, ग्राम रिंग नहीं प्रेफर करेंगे, ड्रम टाइप प्रेफर करेंगे। और इस ड्रम टाइप में कितने तरीके के होते थे, तीन तरीके के होते थे। कौन कौन सा होता था, एक होता था लैप वाइंडिंग, एक होता था वेव वाइंडिंग, और एक क्या होता था हमारा फ्रॉग लेग वाइंडिंग। इस फ्रॉग लेग वाइंडिंग में हम क्या यूज़ करते थे, दोनों लैप और वेव का मिक्सचर यूज़ करते थे। तो इसमें जनरली क्या प्रेफर करते हैं हम अगर हाई रेटिंग मशीन, हाई पावर रेटिंग मशीन चाहिए तो लैप वाइंडिंग प्रेफर करेंगे, लो पावर रेटिंग मशीन चाहिए तो वेव वाइंडिंग प्रेफर करेंगे। और फ्रॉग लेग क्या ये जनरली यूज़ नहीं होता क्योंकि इसमें दोनों होते हैं, मतलब लैप वाइंडिंग और वेव वाइंडिंग दोनों होते हैं, तो जहाँ पे रिक्वायरमेंट होगा, स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट होगा, वहीं पे केवल इसका यूज़ करेंगे। तो ये वाइंडिंग का स्ट्रक्चर था कि वाइंडिंग हम कैसे कैसे कर सकते हैं। बात समझ में आया। ये चीज़ें हम पहले भी देख चुके हैं कहाँ पे, जब हम डीसी मशीन का आर्मेचर वाइंडिंग देख रहे थे तो उस टाइम पे हम लोग देखे हुए थे, पूरे अच्छे से देखे हुए थे कि लैप वाइंडिंग क्या है, वेव वाइंडिंग क्या है। बात समझ में आया, बैक पिच क्या है, फ्रंट पिच क्या है, वाइंडिंग पिच क्या है, ठीक है। तो सब के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे इसमें, जैसे ये जो आर्मेचर वाइंडिंग कर रहे हो ये कहीं पे भी हो सकता है। एसी मशीन अभी कुछ देर पहले डिस्कस किया ना कि एसी मशीन में क्या होगा, आर्मेचर वाइंडिंग स्टेटर पे, और डीसी मशीन में आर्मेचर वाइंडिंग क्या होगा, डीसी मशीन में आर्मेचर वाइंडिंग रोटर पे होगा। इसका मतलब यहाँ पे जो रोटर है एसी मशीन का उसमें क्या होगा, फील्ड वाइंडिंग कंसंट्रेटेड टाइप का। अब जो ये कंसंट्रेटेड टाइप का वाइंडिंग कर रहे हो तो कंसंट्रेटेड टाइप का वाइंडिंग करने का मतलब क्या हुआ, तो यहां पे हम लोग थोड़ा सा देखेंगे कंसंट्रेटेड टाइप का वाइंडिंग। अब इस कंसंट्रेटेड वाइंडिंग हम लोग कुछ पॉइंट्स लिखेंगे। जैसे पहला पॉइंट लिखो, कंसंट्रेटेड टाइप वाइंडिंग इज यूज्ड इन फील्ड वाइंडिंग, इज यूज्ड इन फील्ड वाइंडिंग। इट हैज, अगला पॉइंट, इट हैज नो फेज डिस्प्लेसमेंट बिकॉज ऑल टर्न्स आर प्लेस्ड एट सेम पोजिशन, सो देयर इज नो स्पेस डिस्प्लेसमेंट, सो देयर इज नो
फेज डिस्प्लेसमेंट। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे मान लो हम यहाँ पे क्या बना रहे हैं कि हम फील्ड वाइंडिंग बनाए हुए हैं, तो फील्ड वाइंडिंग का मतलब ये हुआ, ये रोटर है स्टेटर है उससे फ़र्क नहीं पड़ता, फील्ड वाइंडिंग का मतलब ये हुआ कि जो फील्ड वाइंडिंग हम रखे हुए हैं वो किसी एक जगह पे रखे हुए हैं। जैसे हमें मान लो फील्ड वाइंडिंग किस बनाना है, इससे केवल और केवल फील्ड वाइंडिंग बनाना है। अब फील्ड वाइंडिंग बनाने का मतलब हुआ कि फील्ड मतलब फ्लक्स, फ्लक्स का मतलब कब आएगा, फ्लक्स तब आएगा जब हमारा एक नॉर्थ पोल होगा और दूसरा क्या होगा, साउथ पोल होगा, क्योंकि नॉर्थ टू साउथ ही मैग्नेटिक लाइंस फ्लो करती हैं। इसका मतलब एक नॉर्थ बनाना होगा एक साउथ। अब जैसे मान लो इस तरफ हमें नॉर्थ बनाना है और इस तरफ हमें क्या बनाना है, साउथ बनाना है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें करंट क्या करना चाहिए, नॉर्थ बनाने के लिए इसमें करंट इस तरीके से होना चाहिए कि जो फ्लक्स लाइंस हो वो बाहर की तरफ निकले, और साउथ बनाने के लिए क्या करना चाहिए, करंट का डायरेक्शन कुछ इस तरीके से रखो कि जो फ्लक्स लाइंस हो वो क्या कर रही हो, कन्वर्ज कर रही हो। बात समझ में आया? तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो इस पोर्शन में एक ही पॉइंट पे जो तुम वाइंडिंग कर रहे हो, यहाँ पे केवल एक ही टर्न नहीं है, जैसा हमारा फ्लक्स का स्ट्रेंथ चाहिए होगा उतना नंबर ऑफ टर्न्स रखना होगा। अब जो नंबर ऑफ टर्न्स रख रहे हो, क्या वो पूरे स्टेटर या रोटर जो भी है ये इसके कोर पे क्या डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, नहीं, हम क्या कर रहे हैं, कंसंट्रेटेड वाइंडिंग बनाने का मतलब हुआ कि एक ही पॉइंट पे सारे टर्न्स हम बना दे रहे हैं, एक ही पॉइंट्स पे हम क्या कर रहे हैं, सारे टर्न्स बना दे रहे हैं। अब इसी पॉइंट पे 50 टर्न, इस पॉइंट पे भी 50 टर्न, इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो 50 टर्न के कारण फ्लक्स आ रहा है, जो 50 टर्न के कारण फ्लक्स आ रहा है वो क्या है, उसके बीच कोई फेज डिस्प्लेसमेंट नहीं है, या फिर बोल दो इस 50 टर्न के कारण जो इंड्यूस्ड ईएमएफ आ रहा है उनके बीच कोई फेज डिफरेंस नहीं है। जैसे मान लो यहाँ पे हम बोलें कि फॉर सिंगल टर्न, इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे, फॉर सिंगल टर्न इंड्यूस्ड ईएमएफ इज ई, ई यहाँ पे क्या है, इंड्यूस्ड ईएमएफ है, ई है। तो फॉर थ्री टर्न्स, मान लेते हैं कितने टर्न है, टोटल 3 टर्न है, तो फॉर 3 टर्न्स क्या हो जाएगा, तो 3 टर्न के लिए इंड्यूस्ड ईएमएफ टोटल क्या हो जाएगा, 3E हो जाएगा। मतलब यहाँ पे हम क्या फॉलो करेंगे, यहाँ पे हम हमेशा और हमेशा स्केलर सम फॉलो करेंगे, स्केलर सम फॉलो करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ हमारा आया हुआ है वो कैसा आया हुआ है, वो ई, फिर उसके बाद 0 फेज डिफरेंस, फिर ई, फिर उसके बाद फिर 0 फेज डिफरेंस, फिर ई। मतलब जो रिजल्टेंट बनेगा वो इस पॉइंट से, जो रिजल्टेंट बनेगा वो इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट का सम होगा। मतलब टोटल इंड्यूस्ड ईएमएफ इन कंसंट्रेटेड वाइंडिंग विल बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 3 × E, जहाँ पे ई क्या है, ई इज द इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस्ड बाई ए सिंगल टर्न। बात समझे? तो ये था हमारे कंसंट्रेटेड वाइंडिंग के बारे में। अब अगर हम डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग के बारे में बात करें तो हम देख भी चुके हैं कि डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग जो हमारा होता है वो कैसा होता है, तो वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग। तो इसमें लिखो पहला पॉइंट, इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द पेरीफेरी ऑफ स्टेटर और रोटर कोर। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो वाइंडिंग बनाया जाएगा वो वाइंडिंग एक ही जगह कंसंट्रेट ना होके हर जगह फैला रहेगा। हर जगह फैलने से क्या फ़ायदा होगा कि जो मैकेनिकल बैलेंस होगा वो हमेशा बना रहेगा। मतलब रोटर में जो पल्सेशन या स्टेटर में जो पल्सेशन होगा वो नहीं होगा, जनरली हर जगह समान भार होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग होगा वो इस पेरीफेरी के अराउंड क्या होगा, फैला होगा। अब इसके जो एडवांटेज थे पांचों, तो पूरा का पूरा डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग का टॉपिक है, इसको हम कहाँ से कवर करेंगे, इसको हम पूरा का पूरा कवर करेंगे हम डीसी मशीन से, डीसी मशीन के आर्मेचर वाइंडिंग से, तो वहाँ से कवर करना है। अब साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि ये जो हम वाइंडिंग कर रहे हैं ये वाइंडिंग हम किसी स्लॉट्स में कर रहे हैं, तो सबसे पहले हमें किसके बारे में पढ़ना था, सबसे पहले हमें स्लॉट्स के बारे में पढ़ना था, क्योंकि वाइंडिंग ऐसे थोड़ी कोर पे रख दिया जाता है। क्या किया जाता है कि कोर पे, जैसे यहाँ पे अगर हम बनाना चाहें तो मान लो हम ये क्या बना रहे हैं, स्टेटर का कोर बना रहे हैं। अब अगर ये स्टेटर का कोर है तो
तो इसके बीच क्या रखा गया है, इसके बीच स्लॉट्स बनाए गए हैं। जैसे अभी एक रफ डायग्राम बना रहा हूँ केवल, तो यहाँ पे ये स्लॉट्स बनाए जाते हैं। अब इस स्लॉट्स में क्या किया जाता है, अब इन स्लॉट्स में हम वाइंडिंग प्लेस करते हैं। तो जैसे अगर एक रफ डायग्राम बनाए कि वाइंडिंग कहाँ पे होगा, तो मान लेते हैं वाइंडिंग यहाँ यहाँ पे होगा, या फिर बोल दो स्टेटर है तो वाइंडिंग कहाँ होगा, यहाँ यहाँ होगा। अब वाइंडिंग अगर यहाँ यहाँ है तो ये क्या इसी टाइप का होगा? नहीं, ये कितने टाइप का होता है, ये जनरली कितने टाइप का होगा, तीन टाइप का होगा। कौन कौन सा? क्लोज्ड स्लॉट, ओपन स्लॉट और सेमी क्लोज्ड, या फिर उसी को क्या बोलते हैं, सेमी ओपन स्लॉट। तो वाइंडिंग के बाद वाइंडिंग पढ़ने के बाद हम किस पे जाएंगे, थोड़ा सा स्लॉट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो एक पॉइंट इसमें ऐड करो, लिखो वाइंडिंग्स आर प्लेस्ड इन स्लॉट्स क्रिएटेड ऑन स्टेटर और रोटर कोर्स थ्रू आउट इट्स पेरीफेरी तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे तीनों के बारे में, पहले डायग्राम बनाते हैं। तो चलो सबसे पहले हम डायग्राम बनाएंगे क्लोज्ड स्लॉट्स के बारे में। ये हम क्या बनाए हुए हैं, ये हम क्लोज स्लॉट बनाए हुए हैं। क्लोज स्लॉट में क्या किया जाएगा, जो वाइंडिंग होगा हमारा वो कहाँ पे प्लेस किया जाएगा, हमेशा वाइंडिंग प्लेस किया जाता है स्लॉट्स में। तो यहाँ पे क्या रखा जाएगा, यहाँ पे वाइंडिंग्स रखा जाएगा, तो इसमें वाइंडिंग रखा गया है। तो ये किसका एग्जाम्पल है, ये हमारा क्लोज्ड स्लॉट्स का एग्जाम्पल है। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे ओपन स्लॉट्स। तो ओपन स्लॉट्स जो होगा वो किस तरीके से बनाया जाएगा, ओपन स्लॉट्स कुछ इस तरीके से बनाया जाएगा कि जिसमें हमारा जो वाइंडिंग्स हो वो क्या हो, वो ऐसे स्लॉट में रखे गए हों जो ओपन हो। ओपन कैसा बनाएंगे, तो ओपन हम कुछ इस तरीके से बनाएंगे, हाँ ये हमारा स्टेटर है, इसमें जो वाइंडिंग्स रखे हुए हैं वो एक ओपन स्लॉट्स में रखे जाएंगे। ओपन स्लॉट्स का मतलब क्या हुआ कि जो वाइंडिंग का रोटर की साइड वाला फेस है वो क्या किया गया है, ओपन किया गया है। लेकिन इसमें अगर हम देखें कि अगर मान लो ये क्या है हमारा, ये अगर हमारा रोटर, जैसे रोटर का थोड़ा सा वो चेंज करते हैं कि जैसे ग्रीन कलर का जो बना हुआ है ये क्या है, ये रोटर है। तो रोटर पे जो फील्ड है, या फिर बोल दो जो भी आर्मेचर होगा या फील्ड होगा, दोनों में से कुछ भी होगा, तो जो भी है वो वाइंडिंग के डायरेक्ट एक्सेस में है क्या, नहीं, वो वाइंडिंग से डायरेक्ट एक्सेस में नहीं है। इसका मतलब यहाँ पे स्टील है, फिर उसके बाद क्या है, फिर उसके बाद कॉपर है, मतलब स्टील का कोर है, फिर उसके बाद क्या है, फिर उसके बाद हमारा वाइंडिंग है। लेकिन अगर हम यहाँ पे रोटर को देखें तो रोटर का एक जो फेस है, रोटर का इस तरफ वाइंडिंग की तरफ वाला फेस है, वो रोटर का फेस हमारे जो कंडक्टर है, मतलब जो कॉपर है, उसके डायरेक्ट एक्सेस में है, मतलब इसके द्वारा प्रोड्यूस्ड फील्ड के डायरेक्ट एक्सेस में होगा। इन सब का यूज़ कैसे, क्यों डायरेक्ट एक्सेस में होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए, क्यों, इसी बारे में हम बात कर रहे हैं। इसके बारे में हम इंडक्शन मशीन में देखेंगे जब हम टॉर्क जनरेशन के बारे में देखेंगे। बात समझ में आए, क्योंकि जो टॉर्क जनरेट होता है वो रोटर और स्टेटर दोनों के फील्ड के कारण होता है, या फिर बोल दो जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है वो किसके कारण होता है, रोटर और स्टेटर दोनों के फील्ड के कारण होता है।
तो जब हम टॉर्क के बारे में डिस्कस करेंगे, इस बारे में जरूर डिस्कस करेंगे कि रोटर का फील्ड क्या होगा और स्टेटर का फील्ड क्या होगा, मतलब आर्मेचर और फील्ड वाइंडिंग दोनों के फ्लक्सेस के इंटरेक्शन के कारण क्या होगा। तो इसीलिए यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं कि जो रोटर का फेस होगा वो क्या होगा, वो वाइंडिंग के साथ डायरेक्ट एक्सेस में होगा, मतलब ओपन स्लॉट में कुछ इस तरीके से वाइंडिंग बना रहेगा। ऐसे ही अगला क्या होगा, अगला होगा उसको हम सेमी ओपन बोल सकते हैं या फिर सेमी क्लोज्ड भी बोल सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो ये स्लॉट होंगे वो कैसे बने होंगे, वो आधा डायरेक्ट एक्सेस में होंगे और आधा क्या होंगे, क्लोज्ड होंगे। मतलब अगर हम यहाँ पे बनाए तो कुछ इस तरीके से बनेगा, ये हमारा क्या होगा, सेमी ओपन या फिर सेमी क्लोज्ड। तो ज़्यादा नहीं बनाते हैं, दो तीन बना देते हैं, उसी से पता चल जाएगा हमें कि कैसा ये बन रहा होगा। बात समझ में आया। तो यहाँ पे हम वाइंडिंग्स रखेंगे। अब ये वाइंडिंग क्या है, रोटर के साथ ऐसे ही पूरे पेरिफेरी पे बना होगा। तो ये वाइंडिंग जो ये रोटर है इसके साथ क्या है, इसके साथ एक्सिस में है, लेकिन क्या है, आधा खुला हुआ है और आधा बंद हुआ हुआ है। मतलब केवल इतना पार्ट खुला हुआ है और इतना पार्ट क्या है वाइंडिंग का, वाइंडिंग का इतना पार्ट बंद हुआ हुआ है। तो इसीलिए इसको क्या नाम देते हैं, सेमी ओपन या फिर सेमी क्लोज्ड। तो अब हम एक एक करके जैसे क्लोज्ड स्लॉट और ओपन स्लॉट के बारे में कुछ डिफरेंसेस देखेंगे। डिफरेंसेस क्यों देख रहे हैं, जब हम डिफरेंसेस देख लेंगे तब बताऊंगा कि क्यों देखें ये डिफरेंसेस। क्योंकि मेनली क्या होता है मशीन में, हमारा मशीन उतना ही पावरफुल होगा जितना उसमें फ्लक्स होगा ना। तो फ्लक्स जो आ रहा है ये कहाँ से आता है, फ्लक्स हमेशा आता है मैग्नेटाइजिंग करंट से। इसका मतलब मैग्नेटाइजिंग करंट का जो रिक्वायरमेंट होगा उसी पे डिपेंड करता है कि मशीन हमारा कितना पावरफुल है। अब मान लो जो ये मैग्नेटाइजिंग करंट है ये दो चीज़ों से चेंज होता है, एक मशीन को ज़्यादा पावरफुल बनाना है तो ज़्यादा मैग्नेटाइजिंग करंट दे दो, या फिर अगर मान लो मशीन में ज़्यादा एयर गैप होगा किनके बीच, स्टेटर और रोटर के बीच, तो भी क्या करना होगा हमें, तब भी हमें मैग्नेटाइजिंग करंट ज़्यादा देना होगा। मतलब जो मैग्नेटाइजिंग करंट दोनों कंडीशंस में हम दे रहे हैं दोनों का पर्पस अलग अलग है ना। एक में क्या है कि ज़्यादा फ्लक्स क्रिएट करके मशीन को ज़्यादा पावरफुल बनाना, और एक में क्या है कि एयर गैप ज़्यादा होने के कारण ज़्यादा फ्लक्स देना, क्या करने के लिए कि जिससे उसमें समान तरीके से फ्लक्स क्रिएट किया जा सकते और मशीन को वर्किंग बनाया जा सके। बात समझ में आया। इसीलिए जनरली हम एयर गैप को क्या रखते हैं, मिनिमम से मिनिमम रखते हैं। बात समझ में आया। तो चलो इसमें डिस्कस करते हैं सबसे पहले क्लोज स्लॉट के बारे में। क्लोज स्लॉट में हम देख रहे हैं, यहाँ पे थोड़ा सा इसको समझते हैं, इसका स्ट्रक्चर जो बना हुआ है, अगर समझ में नहीं आ रहा तो इस तरीके से देखते हैं कि रोटर जो है, रोटर पे जो फील्ड होगा वो डायरेक्ट एक्सेस में नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे यार देखो ये एक क्या बनाया गया है, ये एक कोर बना दिया गया है, मतलब ये आउटर फ्रेम है स्टेटर का, ये इनर फ्रेम है स्टेटर का। अब आउटर फ्रेम और इनर फ्रेम के बीच ये जो गैप दिख रहा है, ये गैप नहीं है, ये क्या है, ये हमारा स्टील का कोर है। इसका मतलब स्टील का कोर बना है, फिर उसके बाद उसमें कुछ क्रॉस सेक्शन काट दिए, क्रॉस सेक्शन काट दिए, तो ये क्या है, ये खाली जगह है जहाँ पे क्या रखेंगे हम, जहाँ पे हम वाइंडिंग को रखेंगे। अब ये वाइंडिंग क्या कर रहा होगा, ये वाइंडिंग फ्लक्स क्रिएट कर रहा होगा। अब क्योंकि इसमें करंट होगा, करंट होगा तो ये फ्लक्स क्रिएट करेगा, तो वो फ्लक्स बताओ क्या इसको डायरेक्ट एक्सेस कर पाएगा, नहीं, वो किसके थ्रू करेगा, वो फ्लक्स हमारा पहले स्टील के थ्रू जाएगा, फिर उसके बाद एयर गैप में जाएगा, फिर उसके बाद रोटर को कट करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो स्टेटर और रोटर के बीच एयर गैप है, स्टेटर और रोटर के बीच जो एयर गैप है वो क्या है, वो ये है। और अगर हम बोलें कि ये क्या है, तो ये हमारा क्या है, स्टील का कोर है। और यहाँ पे भी बोलें ये क्या है, तो ये भी क्या है, स्टील का कोर है। बात समझ में आ रहा ना। तो यहाँ पे अगर देखो तो पॉइंट करके हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, जैसे क्लोज्ड वाले में लिखें, अगर क्लोज स्लॉट में लिखें तो हम क्या लिखेंगे कि हमारा जो एयर गैप है, एयर गैप यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, हर जगह जो एयर गैप होगा, एयर गैप किसके बीच में होगा, रोटर और स्टेटर के बीच में। तो ये जो एयर गैप है ये क्या है, यूनिफॉर्म है,
ये क्या है, यूनिफॉर्म। और साथ साथ ये भी देखेंगे कि अगर एयर गैप यूनिफॉर्म है तो जो पूरा रिलक्टेंस होगा इस एयर गैप में, या फिर बोल दो मशीन का जो रिलक्टेंस होगा वो क्या होगा, वो भी यूनिफॉर्म होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि एयर गैप में जो फ्लक्स डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो भी क्या होगा, यूनिफॉर्म होगा। ऐसे ही हम ओपन स्लॉट्स में देखें तो ओपन स्लॉट में क्या देख रहे हैं कि जो एयर गैप है वो क्या है। तो चलो एयर गैप बनाते हैं, यहाँ पे ये एयर गैप होगा और साथ साथ कौन एयर गैप होगा, ये भी एयर गैप होगा ना। तो अगर हम देखें कि ये जो एयर गैप है, ये जहां पे हमारा स्टेटर का इनर फ्रेम है वहां पे कम एयर गैप है, लेकिन जो वाइंडिंग होगा, जो ये वाइंडिंग है जहां पे स्लॉट बनाया गया है, इस स्लॉट के पोजीशन पे यहां पे एयर गैप क्या हो गया है, ज्यादा हो गया। मतलब एयर गैप हमारा क्या है, नॉन यूनिफॉर्म है। एयर गैप नॉन यूनिफॉर्म तो रिलक्टेंस जो होगा वो भी क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म। रिलक्टेंस नॉन यूनिफॉर्म तो हम क्या बोल सकते हैं, फ्लक्स डिस्ट्रीब्यूशन हमारा क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म। फ्लक्स डिस्ट्रीब्यूशन नॉन यूनिफॉर्म होने का मतलब हुआ कि कहीं पे फ्लक्स ज्यादा है, कहीं पे फ्लक्स कम है। इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं हार्मोनिक्स। क्योंकि हमें क्या चाहिए, यूनिफॉर्म फ्लक्स। मतलब कंडक्टर के लिए, रोटर पे जो भी कंडक्टर हो या स्टेटर पे जो भी कंडक्टर हो, उसके लिए फ्लक्स समान रूप से मिल रहा हो, सबको बराबर फ्लक्स मिल रहा हो। लेकिन अगर किसी को ज्यादा किसी को कम मिल रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि किसी में ज्यादा इंड्यूस्ड ईएमएफ, किसी में कम इंड्यूस्ड ईएमएफ, जिसके कारण क्या आता है, जिसके कारण डिस्टॉर्शन आता है, जिसको हम क्या नाम देते हैं, हार्मोनिक्स नाम देते हैं। तो यहाँ पे स्लॉट्स के कारण क्या आ रहा है, हार्मोनिक्स, जिसको हम क्या बोलेंगे, स्लॉट हार्मोनिक्स। या फिर बोल दो टीथ के कारण, जैसे इसको टीथ नाम भी दिया जाता है ना, तो कई स्लॉट्स अगर बनाओगे तो टीथ जैसा दिखेगा, तो इसलिए हम क्या बोलेंगे कि इसको टीथ हार्मोनिक्स भी बोल सकते हैं। या फिर और क्या बोल सकते हैं, इसको स्पेस हार्मोनिक्स भी बोल सकते हैं, जो कि एयर गैप के कारण आ रहा है, असमान एयर गैप के कारण आ रहा है। बात समझ में आया। तो चलो यहाँ पे हम कुछ पॉइंट्स लिखेंगे स्टेटर और रोटर के बारे ओपन स्लॉट्स और क्लोज स्लॉट्स के बारे में। तो चलो क्लोज स्लॉट के बारे में लिखते हैं। पहला पॉइंट लिखेंगे, एयर गैप बिटवीन स्टेटर एंड रोटर इज यूनिफॉर्म, सो रिलक्टेंस इज यूनिफॉर्म एंड ऑल्सो द फ्लक्स डिस्ट्रीब्यूशन इन एयर गैप इज यूनिफॉर्म। पहला पॉइंट लिखते हैं ओपन स्लॉट में, इसी से रिलेटेड लिखो। इसमें लिखेंगे, एयर गैप बिटवीन स्टेटर एंड रोटर इज नॉन यूनिफॉर्म, सो रिलक्टेंस इज नॉन यूनिफॉर्म एंड ऑल्सो द फ्लक्स डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन एयर गैप इज नॉन यूनिफॉर्म एंड इट इज ड्यू टू स्लॉट्स, सो दैट दिस फिनोमिना इज कॉल्ड एज स्लॉट हार्मोनिक्स और टीथ हार्मोनिक्स और स्पेस हार्मोनिक्स। इतना बात क्लियर हुआ, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसमें कि जो ये रोटर और स्टेटर के बीच, जैसे इसको क्या नाम दे रहे हो, इसको स्टेटर बोल रहे हो ना, तो अब जो स्टेटर में वाइंडिंग्स है यहाँ पे देखें, तो बताओ अब यहाँ पे इनके और इनके बीच जो एयर गैप जो गैप होगा वो क्या होगा, वो ज़्यादा दिख रहा है और कम दिख रहा होगा ना, क्योंकि ये देखो ये एयर गैप यहाँ पे क्या है, ये एयर गैप यहाँ पे कम है, लेकिन यहाँ पे अगर हम वाइंडिंग्स और इसके बीच एयर गैप देखें तो वो क्या होगा, वो ज़्यादा होगा। अब यहाँ पे एयर गैप ज़्यादा यहाँ पे कम क्यों रखा जाता है, ऐसा इसलिए रखा जाता है क्लियरेंस के कारण। किसके बीच क्लियरेंस, रोटर और स्टेटर के बीच एक मिनिमम क्लियरेंस हो कि जिससे रोटर स्टेटर से ना टकराए। इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें वाइंडिंग तो बीच में रखोगे, मतलब इसमें एयर गैप तुम क्या कर सकते हो, कम से कम रख सकते हो, मतलब एकदम कम एयर गैप भी रखोगे तब भी ये मशीन में कोई दिक्कत नहीं आएगा। लेकिन जब ओपन स्लॉट्स रखते हो तो क्या होगा, ओपन स्लॉट्स रखने के कारण जो ये रोटर होगा ये थोड़ा सा इधर उधर फ्लक्चुएट भी करेगा तो वाइंडिंग से टकरा जाएगा। अब अगर वाइंडिंग से टकरा जाए, क्योंकि वाइंडिंग क्या होता है, थोड़ा सा स्लॉट से बाहर निकला होता है, इस वजह से क्या करते हैं कि इनके बीच जो क्लियरेंस होता है स्टेटर और रोटर के बीच, वो क्या करते हैं, इसके कंपेरिजन में हम ज़्यादा रखते हैं।
अब अगर इसमें एयर गैप ज्यादा रखेंगे तो क्या होगा, इसमें हमारा फ्लक्स का रिक्वायरमेंट ज्यादा होगा। इसके कंपैरिजन में फ्लक्स का रिक्वायरमेंट ज्यादा होगा तो इसका मतलब हमें जो वाइंडिंग में मैग्नेटाइजिंग करंट आ रहा है उसका भी रिक्वायरमेंट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो इस पॉइंट को भी हम ऐड करते हैं, लिखो क्लोज स्लॉट में लिखो, हियर एयर गैप इज लीस्ट सो दैट रिक्वायर्ड मैग्नेटाइजिंग करंट इज लेस, रिक्वायर्ड मैग्नेटाइजिंग करंट इज लेस। इसमें लिखो ओपन स्लॉट में, एयर गैप इज मोर सो रिक्वायर्ड मैग्नेटाइजिंग करंट इज मोर। अब ये मैग्नेटाइजिंग करंट का क्या फर्क पड़ता है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग मैग्नेटाइजिंग करंट के बारे में। मैग्नेटाइजिंग करंट ये फर्क पड़ेगा कि जैसे थोड़ा सा मैग्नेटाइजिंग करंट के बारे में डिस्कस करते हैं, बात समझ में आया ना। तो मैग्नेटाइजिंग करंट से पता ये चलता है कि जैसे हम लोग ट्रांसफार्मर में देखे थे, देखो मशीन में हर एक टॉपिक एक दूसरे से रिलेटेड है, बात समझ में आया। तो जैसे भी जो टॉपिक हम जहाँ से पढ़ने के लिए बोलेंगे वो टॉपिक तुमको वहाँ से जाके रेफर करना होगा, बात समझ में आया। एक ही टॉपिक बार बार नहीं पढ़ाया जाएगा। तो यहाँ पर क्या है कि अगर वोल्टेज आ रहा है तो फ्लक्स आएगा, बात समझ में आया। तो ये था। अब इसमें जो नो लोड करंट जाता था, वो नो लोड करंट क्या होता था, वो नो लोड करंट ये होता था ना। तो इसको हम क्या बोलते थे, एक्साइटिंग करंट, या फिर इसी को बोलते थे आई नॉट नो लोड करंट। और वोल्टेज और करंट के बीच जो एंगल बनता था उसी को हम क्या बोलते थे, पावर फैक्टर एंगल, जैसे फाई ई बोल दो या फाई नॉट बोल दो। यहाँ पे फाई फ्लक्स नहीं है, एंगल है, बात समझ में आया। तो चलो इसको थीटा लिख देते हैं। तो चलो मान लो ये थीटा नॉट है, यहाँ पे थीटा नॉट क्या है, पावर फैक्टर एंगल है। अब यहाँ पे अगर हम देखें कि जो हमारा करंट का रिक्वायरमेंट है वो दो रिक्वायरमेंट है, एक करंट क्या कर रहा होगा, कोर लॉस कंपोनेंट को हैंडल कर रहा होगा, और एक करंट क्या कर रहा होगा, एक करंट हमारा फ्लक्स क्रिएट करने के काम आ रहा होगा, जिसको हम क्या बोलेंगे, मैग्नेटाइजिंग करंट। समझे बात को। लेकिन अगर हम एयर गैप बढ़ा दें, जैसे यहाँ पे थीटा नॉट हमारा क्या है, यहाँ पे थीटा नॉट है हमारा पावर फैक्टर एंगल, क्योंकि वोल्टेज और करंट के बीच बना हुआ है, समझे बात को। लेकिन एयर गैप कब, जब एयर गैप लीस्ट है। अब अगर हम मान लो एयर गैप को बढ़ा देंगे, तो एयर गैप को बढ़ाने के कारण क्या हो जाएगा, एयर गैप को बढ़ाने के कारण हमारा जो मैग्नेटाइजिंग करंट होगा उसका वैल्यू क्या होगा, मैग्नेटाइजिंग करंट का जो वैल्यू होगा वो ज्यादा हो जाएगा। मतलब मैग्नेटाइजिंग करंट पहले इतने पे आ रहा था, तो अब मैग्नेटाइजिंग करंट मान लेते हैं बढ़ के कितना हो गया, इतना हो गया। अब मैग्नेटाइजिंग करंट अगर बढ़ गया, यहां पे आई एम लिखे हुए हैं ना, तो क्या होगा, उससे कोर लॉस कंपोनेंट तो उतना ही होगा जितना अभी है, तो आईसी कितना होगा, आईसी इतना ही होगा। अब इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा, मतलब जो नो लोड करंट होगा वो कहां पे बनेगा, तो वो नो लोड करंट अब क्या हो जाएगा, यहां पे बनेगा। मतलब नो लोड करंट के बनते ही हम क्या बोलेंगे, जो थीटा नॉट है वो क्या हो गया है, क्या पावर एयर गैप बढ़ने के कारण जो हमारा थीटा नॉट होगा, एयर गैप बढ़ने के कारण जो थीटा नॉट होगा वो क्या हो गया, वो भी बढ़ गया। मतलब पावर फैक्टर एंगल क्या होगा, बढ़ जाएगा। पावर फैक्टर एंगल बढ़ गया तो पावर फैक्टर क्या होता है, पावर फैक्टर हम जानते हैं कॉस ऑफ थीटा होता है। थीटा अगर बढ़ गया, तो कॉस का वैल्यू क्या होगा, कम हो जाएगा। इसका मतलब जो हमारा पावर फैक्टर होगा वो क्या हो जाएगा, वो कम हो जाएगा। मतलब जब हम मशीन्स में एयर गैप बढ़ाएंगे तो रिक्वायर्ड जो मैग्नेटाइजिंग करंट होगा उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अगर रिक्वायर्ड मैग्नेटाइजिंग करंट का वैल्यू बढ़ जा रहा है तो हम साथ साथ क्या बोलेंगे कि मशीन का जो पावर फैक्टर है वो क्या हो जा रहा है, कम हो जा रहा है। अच्छा, इस चीज़ को अगर हम समझना चाहें तो कैसे समझेंगे, जैसे इस तरीके से समझो कि किसी भी चीज़ में पावर फैक्टर अगर देखना है तो उसके रिएक्टिव और एक्टिव पोर्शन को देखते हैं। अब अगर एक्टिव पोर्शन ज्यादा तो पावर फैक्टर ज्यादा, एक्टिव पोर्शन कम तो पावर फैक्टर कम। जो ये पावर फैक्टर कम होने वाला बात है, इसको कुछ इस तरीके से भी बोल सकते हैं कि रिएक्टिव पोर्शन ज्यादा तो पावर फैक्टर क्या होगा, कम होगा। रिएक्टिव पोर्शन कम तो पावर फैक्टर कम। अब बताओ
जो ये मैग्नेटाइजिंग करंट है ये क्या क्रिएट करने के काम आ रहा है, फ्लक्स क्रिएट करने के काम आ रहा है। फ्लक्स किस तरीके का नेचर है, इंडक्टिव नेचर है, मतलब इंडक्टर ही फ्लक्स क्रिएट करता है, तो इंडक्टिव नेचर। मतलब ये जो करंट हम दे रहे हैं ये क्या करने के लिए दे रहे हैं, तो मैग्नेटाइजिंग करंट जो दे रहे हैं इंडक्टेंस क्रिएट या फिर बोल दो रिएक्टिव पार्ट क्रिएट करने के लिए दे रहे हैं या फिर बोल दो फ्लक्स क्रिएट करने के लिए दे रहे हैं। बात समझ में आया? तो जितना ज़्यादा फ्लक्स क्रिएट करना होगा पावर फैक्टर उतना क्या होगा, पावर फैक्टर उतना डाउन जाएगा। बात समझ में आया यहाँ पे ना? तो यहाँ बोल सकते हैं कि जैसे जैसे हम मशीन में एयर गैप बढ़ाएंगे वैसे वैसे क्या होगा, वैसे वैसे इसका पावर फैक्टर कम होगा। तो यहाँ पे बताओ किसमें एयर गैप ज़्यादा था किसमें कम था। तो हम जब देखें क्लोज स्लॉट के बारे में और ओपन स्लॉट में एयर गैप था वो कम से कम रखना पड़ रहा था, लेकिन ओपन स्लॉट में क्लियरेंस मेंटेन करने के लिए हमें क्या करना हो रहा था, एयर गैप को क्लोज्ड के कंपैरिजन में ज़्यादा रखना पड़ रहा था। तो यहाँ पे अगर एयर गैप ज़्यादा है तो मैग्नेटाइजिंग करंट का जो रिक्वायरमेंट होगा वो क्या होगा, ज़्यादा होगा, जिससे पावर फैक्टर एंगल जो होगा वो क्या होगा, वो भी ज़्यादा होगा, लेकिन पावर फैक्टर फिर क्या हो जाएगा, पावर फैक्टर कम हो जाएगा। बात समझ में आया यहाँ तक? तो क्लोज स्लॉट में पॉइंट लिखते हैं। अगला पॉइंट हम लोग क्लोज स्लॉट में लिखेंगे एयर गैप इज, अच्छा इन सब के बारे में लिख चुके हैं कि एयर गैप कम होता है ना जिससे मैग्नेटाइजिंग करंट का रिक्वायरमेंट ज़्यादा होता है। तो अब लिखते हैं पावर फैक्टर के बारे में। तो क्लोज स्लॉट में पावर फैक्टर में लिखो पावर फैक्टर इज मोर ड्यू टू लेस एयर गैप, और ओपन स्लॉट्स में लिखेंगे पावर फैक्टर इज लेस ड्यू टू मोर पावर फैक्टर एंगल एंड मोर मैग्नेटाइजिंग करंट। यहां तक क्लियर हुआ? अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं लीकेज पर, किसमें लीकेज फ्लक्स ज्यादा होगा किसमें कम होगा, कौन ज्यादा पावरफुल मशीन होगा कौन कम पावरफुल मशीन होगा। मतलब एक मशीन हम क्लोज स्लॉट्स के साथ बनाए और एक मशीन हम ओपन स्लॉट्स के साथ बनाए, तो सेम रेटिंग सब कुछ सेम के लिए कौन सा ज्यादा पावरफुल होगा। बात समझ में आया? अब जैसे जब हम क्लोज स्लॉट में देखेंगे तो क्लोज स्लॉट में फिर से वही बातें, स्टील और कॉपर वाला चीज, क्या कि जो रोटर का फ्लक्स और जो स्टेटर का फ्लक्स है, मतलब स्टेटर का जो फ्लक्स होगा अगर हम ध्यान से देखें यहाँ पे, तो जो स्टेटर के कारण प्रोड्यूस्ड फ्लक्स होगा, जैसे चलो इस वाले कंडक्टर को देखते हैं, बात समझ में आया? तो इसमें क्या होगा कि इसमें कोई करंट जा रहा होगा, मतलब जैसे मान लो डॉट करंट जा रहा है तो इसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड होगा। अब इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस हो रहा है तो ये क्या करेगा, रोटर को भी कट करेगा और क्या करेगा, और स्टेटर के कोर के थ्रू भी जाएगा। क्यों जाएगा? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो हमेशा लो रिलक्टेंस पाथ फॉलो करता है। अब अगर हम यहाँ पे देखें कि इसके द्वारा जो मैग्नेटिक फील्ड चारों तरफ प्रोड्यूस हो रहा है उसको जैसे ही स्टील मिल जाएगा तो स्टील के थ्रू जाएगा, या फिर एयर गैप मिलेगा तो उसके थ्रू ज़्यादा जाएगा। तो इसमें हम देख रहे हैं कि जो लीकेज फ्लक्स है, जो फ्लक्स है जो रोटर तक नहीं पहुँच पा रहा है वो क्या कर रहा है, वो इस स्टील के थ्रू पास हो जा रहा है। बात समझ में आ रहा? तो इसका मतलब इसमें हम बोलेंगे, एक टर्म यूज करेंगे कि जो लीकेज फ्लक्स है वो क्या होगा, वो ज्यादा होगा। क्यों ज्यादा हो रहा है? लीकेज फ्लक्स इसलिए ज्यादा हो रहा है क्योंकि यहाँ पे क्या हो जा रहा है, लीकेज फ्लक्स ज्यादा होने के कारण यहाँ पे जो फ्लक्स रोटर को कट कर रहा है वो कम हो जा रहा है। तो जिससे हमारा मशीन जो होगा वो क्या होगा, लेस पावरफुल होगा। किसके कंपेरिजन में? इसके कंपेरिजन में। क्यों? क्योंकि इसमें क्या होगा कि जैसे मान लो इस कंडक्टर में डॉट करंट जा रहा है तो इसके चारों तरफ क्या होगा, इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो इसमें भी क्या होगा, इसमें भी जो फील्ड होगा वो किसको कट करना चाहिए, रोटर को कट करना चाहिए। क्योंकि अभी कुछ देर पहले तुमको क्या बताए हम कि दोनों के इंटरेक्शन के कारण होता है जो भी फेनोमिना होता है, टॉर्क जनरेशन, ईएमएफ जनरेशन, सब कुछ। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि इनके बीच जो लीकेज फ्लक्स है वो क्या हो जा रहा है, वो इसके कंपेरिजन में कम है। अब इसके कंपेरिजन में कम कैसे, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा कि जो यहाँ से फ्लक्स निकल रहा है वो इसके कंपेरिजन में रोटर को ज़्यादा कट कर रहा है, रोटर के साथ ज़्यादा इंटरेक्ट कर रहा है। तो हम क्या बोलेंगे कि यहाँ पे लीकेज फ्लक्स क्या होगा, कम होगा, जिससे हमारा मशीन ज़्यादा से ज़्यादा पावरफुल होगा। तो चलो इसके बारे में लिखते हैं। सबसे पहले क्लोज स्लॉट लिखो लीकेज फ्लक्स इज मोर बिकॉज वाइंडिंग इज क्लोज्ड विथ स्टील एंड फ्लक्स ऑलवेज फ्लोज थ्रू
लेस रिलक्टेंस, लेस रिलक्टेंस। बात समझ में आया? अब नेक्स्ट लिखो, सो मशीन इज लेस पावरफुल, किसमें? क्लोज स्लॉट में ही लिख रहे हैं। अब ओपन स्लॉट में लिखो, वाइंडिंग वाइंडिंग जनरेट्स फ्लक्स एंड लीकेज फ्लक्स इज मिनिमम। ओपन स्लॉट में लीकेज फ्लक्स इज मिनिमम, सो मशीन इज मोर पावरफुल बिकॉज फ्लक्स इज मोर पावरफुल, फ्लक्स इज मोर पावरफुल। बात समझ में आया? तो अब अगर हम इन दोनों में देखें तो इन दोनों में कुछ कुछ चीजें क्या है, जैसे इसमें पावर फैक्टर कम हो रहा है लेकिन साथ साथ ओपन स्लॉट में क्या हो जा रहा है, मशीन ज्यादा पावरफुल बन रही है। और अगर इसमें देखें पावर फैक्टर बढ़ रहा है, साथ साथ क्या हो जा रहा है, मशीन पावरफुल हो रहा है, मतलब जितना फ्लक्स दे रहे हैं उतना फ्लक्स हमारा पूरा का पूरा यूटिलाइज नहीं हो रहा है, इन दोनों में कंपेरिजन कर रहे हैं। तो बात समझ में आया? तो इन दोनों के पॉइंट को हम देखेंगे तो हमें क्या सबसे अच्छा लगेगा, हमें सबसे सही लगेगा कि हम क्या एक काम करते हैं जिसमें फिर सेमी ओपन हो उसको यूज करते हैं। तो इस पॉइंट को ऐड करते हैं, इस पॉइंट को लिखो, बाय कीपिंग ऑल व्यूज सेमी क्लोज्ड वाइंडिंग इज बेटर, सेमी क्लोज्ड वाइंडिंग इज बेटर, सबसे अच्छा होता है। बात समझ में आया ना? अब नोट करके एक पॉइंट हम लोग लिखेंगे, इन मशीन्स मतलब रोटेटिंग मशीन्स, इन रोटेटिंग मशीन्स इंसुलेशन इज दी वीकेस्ट लिंक। मतलब क्या होता है, इंसुलेशन को वीकेस्ट लिंक इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि क्या दिक्कत आता है कि जैसे ही थोड़ा सा फ्लक्चुएशन होता है इधर उधर का करंट में या वोल्टेज में जो भी होता है, तो उससे धीरे धीरे वाइंडिंग्स क्या होती रहती हैं, वाइंडिंग का जो इंसुलेशन होता है वो धीरे धीरे खराब होता रहता है। अब वाइंडिंग का इंसुलेशन खराब हो रहा है तो साल दो साल तीन साल जब भी खराब होगा कंप्लीटली, जब भी वर्क नहीं करेगा जो हम चाहते हैं, तो क्या होगा कि वाइंडिंग के इंसुलेशन को चेंज करना होगा, मतलब वाइंडिंग्स को बाहर निकालना होगा। अब अगर वाइंडिंग्स को बाहर निकालना पड़ रहा है तो रिप्लेसमेंट करने के लिए कौन सा सबसे इजी होगा, तो यहां पे हम देख रहे हैं कि क्लोज्ड स्लॉट जब बने रहेंगे तो उसमें से वाइंडिंग को निकालना टफ है किसके कंपैरिजन में, जो ओपन स्लॉट्स होंगे, ओपन स्लॉट से वाइंडिंग को निकालना आसान होता है। ऐसे ही अगर हम सेमी क्लोज्ड सेमी ओपन में देखें तो इन तीनों में सबसे सही रिप्लेसमेंट किसमें हो सकता है, वाइंडिंग्स का, तो वाइंडिंग्स का रिप्लेसमेंट ओपन में होता है सबसे अच्छा। और हम ये जानते हैं कि रिप्लेसमेंट हमें करना ही होगा ना, क्योंकि इंसुलेशन जो है रोटेटिंग मशीन का सबसे कमजोर वाला पार्ट है, मतलब इंसुलेशन के कारण वाइंडिंग को रिप्लेस करना है, तो हम क्या प्रेफर करेंगे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे, क्या लिखे, ड्यू इन रोटेटिंग मशीन इंसुलेशन इज द वीकेस्ट लिंक एंड फॉर दिस रिप्लेसमेंट ऑफ कॉइल इज बेस्ट इन ओपन स्लॉट्स। सो जनरली इन ऑल मशीन्स वी यूज ओपन स्लॉट वाइंडिंग। बात यहां पे क्लियर हुआ, स्लॉट और वाइंडिंग का बात क्लियर हुआ ना, ओपन स्लॉट प्रेफर करेंगे या क्लोज स्लॉट। तो मैग्नेटाइजिंग करंट वाले में सब पार्ट हम देख सकते हैं, यहाँ पे क्लियर देख सकते हैं कि एयर गैप बढ़ा, उसके साथ साथ पावर फैक्टर एंगल बढ़ा, क्योंकि एयर गैप बढ़ने से क्या होगा, एयर गैप इसलिए बढ़ा क्योंकि हमारा, यहाँ पे एक पॉइंट हम ऐड कर लेते हैं, इसलिए बढ़ा क्योंकि मैग्नेटाइजिंग करंट रिक्वायरमेंट क्या होगा, एयर गैप के बढ़ने से बढ़ जाएगा तो पावर फैक्टर एंगल बढ़ जाएगा। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं टर्न्स के बारे में, जैसे सिंगल टर्न्स, इनके बारे में बात किया जा चुका है लेकिन एक बार देख लेते हैं फिर से। जैसे टर्न्स होंगे तो सबसे पहले हम सिंगल टर्न्स के बारे में बात करेंगे कि सिंगल टर्न्स क्या होते हैं। जैसे ये दो कंडक्टर्स हैं, इनको मिला के हम क्या बना दिए, इनको आपस में जोड़ के हम एक सिंगल टर्न बना दिए। बात समझ में आया? अब सिंगल टर्न बनाए हैं तो कैसे बनाए हैं, जैसे मान लो हमारा ये क्या है, सिलेंड्रिकल रोटर है या स्टेटर है, जो भी हो इसमें वाइंडिंग किया जाएगा, वाइंडिंग किया जाएगा, वाइंडिंग कुछ इस तरीके से किया जाएगा कि जो कंडक्टर्स होगा वो कंडक्टर्स कुछ
वो कंडक्टर्स ऐसा बनाया जाएगा, जैसे एक बाहर कंडक्टर्स दिख रहा है तो एक इस सिलेंड्रिकल रोटर के या इस सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर के दूसरी साइड वाला, मतलब अंदर की साइड वाला, ये जो डॉट से बनाया है अंदर की साइड वाला है, और ये क्या है बाहर की साइड वाला दिख रहा है। बात समझ में आया? तो इस पूरे को हम क्या बोलेंगे, इस पूरे को हम एक टर्न बोलेंगे। वही यहाँ पे बनाया गया है कि जैसे इसको भी अगर उसी फॉर्म में बनाना हम चाहें तो उस फॉर्म में इसको कैसे बना सकते हैं, तो उस फॉर्म में इसको कुछ इस तरीके से बना सकते हैं कि मान लेते हैं ये बाहर वाला पार्ट है, ये बाहर वाला पार्ट है, तो दूसरा क्या होगा, तो ये जो होगा ये क्या होगा, ये हमारा अंदर वाला पार्ट होगा। समझे बात को? इस पूरे को हम क्या बोलेंगे, इस पूरे को हम सिंगल टर्न बोलेंगे। अब इस सिंगल टर्न में हम क्या देख रहे हैं कि एक ओवरहैंग पार्ट होगा और एक एक्टिव पोर्शन होगा। एक्टिव पोर्शन वो होता है जैसे ये रोटर कहाँ रिवॉल्व कर रहा होगा, या फिर इस स्टेटर अगर ये है मान लो, तो इसके अंदर जो रोटर होगा वो कहाँ रिवॉल्व कर रहा होगा, वो जैसे ये एक स्टेटर बना हुआ है तो इसके बीच में होगा, या फिर अगर ये रोटर होता तो इसके बाहर होता। बात समझ रहे हो? तो मैग्नेटिक फील्ड अगर हम बोलें कि इसके बाहर है मैग्नेटिक फील्ड, तो ये मैग्नेटिक फील्ड किसको कट कर रही होगी, ये मैग्नेटिक फील्ड हमारे इस रोटर के जो पेरीफेरी पे जो कंडक्टर्स होंगे उन्हीं को कट कर रहा होगा। बात समझ में आया? अब अगर कंडक्टर उन्हीं को कट कर रहा है तो जो इस पे इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा वो क्या होगा, केवल इस वाले पार्ट पे होगा। तो इसलिए हम इस वाले पार्ट को, मतलब यहाँ से यहाँ तक के पार्ट को क्या बोलेंगे, एक्टिव पोर्शन। एक्टिव पोर्शन मतलब जो इंड्यूस्ड ईएमएफ को जनरेट कराने के काम आ रहा है, तो एक्टिव पोर्शन। और बाकी ये जो बचा हुआ पार्ट है यहाँ से यहाँ तक, मतलब ये जो पार्ट है इसको क्या बोलेंगे, या फिर ये जो पार्ट है इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे ओवरहैंग पार्ट ऑफ कॉइल ना। इसका मतलब ये हुआ कि जो ओवरहैंग पार्ट होता है कॉइल का उसमें कोई ईएमएफ जनरेट नहीं होता, लेकिन जो एक्टिव पोर्शन होता है उसको एक्टिव पोर्शन इसीलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे ईएमएफ जनरेट होता है। जैसे मान लो यहाँ पे ईएमएफ जनरेट हो रहा है और यहाँ पे भी ई जनरेट हो रहा है, तो इनका पोलैरिटी कैसे होगा, तो मान लो ये प्लस ये माइनस, तो ये क्या होगा, ये माइनस और ये क्या हो जाएगा, प्लस। मतलब टोटल इंड्यूस्ड ईएमएफ इस और इस पॉइंट के बीच क्या हो जाएगा, इस और इस पॉइंट के बीच टोटल इंड्यूस्ड ईएमएफ ई प्लस ई इज इक्वल्स टू 2E हो जाएगा। बात समझ में आया? तो केवल एक्टिव पोर्शन ही ईएमएफ इंड्यूस कराने के काम आते हैं। इतना समझे कि एक्टिव पोर्शन क्या है और ओवरहैंग क्या है। ऐसे ही हम अगर फुल पिच देखें और शॉर्ट पिच देखें, तो इसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस किए हुए भी हैं, कहाँ पे आगे डिस्कस करेंगे हम लोग डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग में। लेकिन और भी हम लोग डीसी मशीन में फुल पिच क्या होता है, कैसे देखा जाता है कि फुल पिच है या फिर शॉर्ट पिच है ना, तो जैसे चलो फुल पिच के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। उसके लिए हमें क्या करना होगा, उसके लिए हमें थोड़ा सा कुछ चीज़ें और देखना होगा। जैसे मान लो ये सिंगल टर्न रखा हुआ है और यहाँ पे एक नॉर्थ पोल है और ये क्या है, साउथ पोल है। अब अगर जो हमारा ये सिंगल टर्न रखा हुआ है ना, वो नॉर्थ और साउथ पोल के एग्जैक्ट लोकेशन पे रखा हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे अगर हम बोलें कि एक पोल से दूसरे पोल के बीच का जो दूरी है वो क्या होगा, उसको हम बोलेंगे पोल पिच। अगर इसको हम पोल पिच बोलेंगे तो कॉइल पिच किसको बोलेंगे, तो कॉइल पिच हम हमेशा किसको बोलेंगे, जो कॉइल के दो कंडक्टर्स के बीच का स्पैन होगा ना, तो इसको हम कॉइल स्पैन या फिर कॉइल पिच बोलेंगे। स्पैन का मतलब लेंथ होता है, पिच का भी मतलब क्या होता है, लेंथ होता है, कि नहीं दो पॉइंट्स के बीच का, तो इसको कॉइल पिच या फिर कॉइल स्पैन बोलते हैं, इसको पोल पिच या फिर पोल स्पैन बोलेंगे। तो ये जो पोल के बीच का दूरी और कॉइल के बीच का, मतलब कॉइल में दोनों कंडक्टर्स के बीच का दूरी, जैसे यहाँ पे अभी तुमको एक चीज़ हम बताना भूल गए क्या, कि ये पूरा एक क्या बोला जाएगा, सिंगल टर्न का मतलब पूरा एक क्या बोला जाएगा, कॉइल। और इस कॉइल में कितने कंडक्टर्स होंगे, इस कॉइल में दो कंडक्टर्स होंगे। बात समझ में आया? मतलब ये पूरा एक कॉइल है और इसके बीच क्या है, इनमें दो कंडक्टर्स हैं, एक ई जनरेट कर रहा है तो दूसरा भी कितना ई जनरेट कर रहा होगा। तो वही चीज़ यहाँ पे बोल रहे हैं कि ये जो दोनों कंडक्टर्स हैं सेम कॉइल के, इनके बीच का दूरी और पोल पिच को अगर हम कंपेयर करें तो हम बता सकते हैं कि शॉर्ट पिच होगा या फिर फुल पिच होगा। जैसे फॉर फुल पिच बनाने के लिए हमें क्या करना होता है कि एक ही कॉइल के जो दो कंडक्टर्स हैं उनके बीच का दूरी, मतलब जो कॉइल स्पैन होगा वो कितना रखना होगा, वो हमें पोल
पिच के बराबर रखना होगा, तो हम क्या बोलेंगे, फुल पिच है। और शॉर्ट पिच क्या होगा, शॉर्ट पिच होता है जब हम कॉइल के कंडक्टर्स के बीच की दूरी को कम रखते हैं, किससे, पोल के पिच से, तो हम उसको क्या बोलते हैं, हम उसको बोलते हैं शॉर्ट पिच। अब जो हमारा ये यूज किया गया है, क्या यूज किया गया है कि फुल पिच कहां यूज करेंगे और शॉर्ट पिच कहां यूज करेंगे, तो जनरली जो फुल पिच होता है वो हम डीसी मशीन्स में यूज करते हैं या फिर फील्ड वाइंडिंग में यूज करते हैं, और जो हमारा शॉर्ट पिच होता है ये किस में हम यूज करते हैं, ये जनरली हम यूज करते हैं एसी मशीन्स में। तो शॉर्ट पिच एसी मशीन्स में टू एलिमिनेट द हार्मोनिक्स, हार्मोनिक्स को एलिमिनेट करने के लिए शॉर्ट पिच। जैसे अभी कुछ देर पहले हम देखे थे कि जब हम ओपन स्लॉट बना रहे थे तो टीथ हार्मोनिक्स, स्पेस हार्मोनिक्स आ रहे थे। अब अगर ये हार्मोनिक्स आ रहे हैं तो उनको एलिमिनेट भी करना जरूरी है, तो किसके द्वारा एलिमिनेट करेंगे, शॉर्ट पिच वाइंडिंग के द्वारा एलिमिनेट करेंगे, और फुल पिच वहां यूज करेंगे जहां पे इन सब का कोई काम ही नहीं रहेगा, मतलब हार्मोनिक्स आएंगे ही नहीं। हार्मोनिक्स कहां नहीं आएंगे, डीसी मशीन्स में हार्मोनिक्स नहीं आते, इसलिए क्या बोलेंगे, यहां पे फुल पिच वाइंडिंग हम यूज करेंगे। इतना बात क्लियर हुआ। अब बाकी के जो भी पॉइंट्स हैं, जैसे कि कंसंट्रेटेड वाइंडिंग क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग क्या है, वाइंडिंग एक्सिस क्या है, जीएनए एमएनए ये सब, क्यू एक्सिस डी एक्सिस, बात समझ में आया। एयर गैप का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, मतलब एयर गैप में जो एमएमएफ होगा उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा, कंसंट्रेटेड वाइंडिंग में जो जनरेटेड ईएमएफ होगा और डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग में जो जनरेटेड ईएमएफ होगा, इनके बारे में हम कहां पे देख चुके हैं, डीसी मशीन्स में। लेकिन जो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर है, जैसे कंसंट्रेटेड वाइंडिंग में जनरेटेड ईएमएफ और डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग में जनरेटेड ईएमएफ, वो उसके रिलेशन से जो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर आता है उसके बारे में हम नेक्स्ट देखने वाले हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर क्या होगा। बात समझ में आया, तो नेक्स्ट हम देखेंगे कि डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर क्या होता है, उसमें कंसंट्रेटेड और डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग के बारे में अच्छे से देखेंगे। बात समझे, तो ये जो बीच वाला पार्ट है कि जैसे एयर गैप में फ्लक्स का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, बात समझे, कंसंट्रेटेड किस टाइप का होगा, इन सब के बारे में हम कहां पे डिस्कस कर चुके हैं, इन सब के बारे में डीसी मशीन्स का आर्मेचर वाइंडिंग वाला चैप्टर पढ़ना जरूरी है, आर्मेचर वाइंडिंग वाला टॉपिक पढ़ना जरूरी है इस चैप्टर को समझने के लिए। बात समझ में आया, तो सबसे पहले वो पढ़ो फिर जाके इसमें आओ। तो चलो नेक्स्ट देखते हैं डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। इफ यू रियली लाइक द वीडियो हिट द लाइक बटन, शेयर द वीडियो, कमेंट ऑन आवर वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर YouTube चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट अपडेट्स। थैंक यू।